हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास रिवीजन को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ बायर एंड अनपेड सेलर, ठीक है। बायर के क्या क्या अधिकार हैं और अनपेड सेलर के। वैसे तो चैप्टर एक्चुअली में था राइट्स ऑफ अनपेड सेलर ही, क्योंकि बायर के जितने भी राइट्स हैं ये एक बार पहले डिस्कस हो चुके हैं पुराने चैप्टर्स में, बट उसको दोनों के राइट्स एक साथ ही एक चैप्टर में डाल दिए हैं, तो इसलिए चैप्टर का नाम कर दिया मैंने राइट्स ऑफ बायर एंड अनपेड सेलर, ठीक है। आओ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको अपने पास, जल्दी से देखते हैं राइट्स ऑफ बायर क्या क्या थे। जनरल राइट्स क्या हैं एक बायर के पास, राइट टू हैव डिलीवरी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इफ दे आर डिलीवर्ड इन रॉन्ग क्वांटिटीज। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर सामान शॉर्ट आ जाए, एक्सेस आ जाए, मिक्स होके आ जाए तो क्या करते हैं। नेक्स्ट, राइट टू रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय इंस्टॉलमेंट, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, राइट टू नोटिस ऑफ शिपमेंट इन केस द गुड्स आर सेंट बाय सी सो दैट ही मे गेट द गुड्स इंश्योर्ड। और लास्ट, राइट टू एग्जामिन द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एसरटेनिंग वेदर दे आर इन कंफॉर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे के सारे जनरल राइट्स हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, राइट्स ऑफ अ बायर अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे तो उसके केस में क्या क्या राइट्स हैं। सेलर में ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी द फॉलोइंग वेज, किस किस तरीके से सेलर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। ही फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और मैनर स्पेसिफाइड, ही रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, और ही डिलीवर्स नॉन कंफॉर्मिंग गुड्स एंड द बायर राइटफुली रिजेक्ट्स द गुड्स। तो या तो उसे गुड्स डिलीवर करे नहीं जिस टाइम एंड मैनर बताए गए थे, या उसे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, या फिर उसने गुड्स नॉन कंफॉर्मिंग भेजे, मतलब जो बोले गए थे वो गुड्स नहीं भेजे या उस तरीके से नहीं भेजे, तो बायर के सेल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। तो बायर के पास क्या क्या अधिकार है, उसके पास अधिकार है सू फॉर नॉन डिलीवरी। अगर गुड्स उसको डिलीवर नहीं हुए, सेलर ने खुद मना कर दिया, इस सेलर ने निग्लेक्ट कर दिया, तो बायर को कोई भी डैमेजेस हुए हैं तो बायर उस डैमेज के लिए सू कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने देखा हुआ था क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहां पे आप किसी से कहते हैं कि आपने जो प्रॉमिस किया था आप वो प्रॉमिस पूरा करो, हमें पैसे नहीं चाहिए एज कॉम्पेंसेशन, हमें वो ही सामान चाहिए जो आपने प्रॉमिस किया गया था। ये कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है ऐसा ऑर्डर देना चाहिए तभी ऐसा ऑर्डर पास करते हैं। ऐसा ऑर्डर कब पास कर सकते हैं, जब कोर्ट को लग रहा है कि हम एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, या सामने वाली पार्टी कॉम्पेंसेशन दे नहीं पाएगी, या कॉम्पेंसेशन देना एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, मतलब सामान देना ही बेहतर है, कॉम्पेंसेशन सामने वाले का भला नहीं हो पाएगा, रेमेडी नहीं हो पाएगी, तो इन सिचुएशंस में कोर्ट ऑर्डर क्या कर सकती है, आपने जो प्रॉमिस किया था सेलर सामान देने का आप वो प्रॉमिस पूरा करो, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ वारंटी, ये हमने देखा है पहले के चैप्टर्स में कि एक होती है कंडीशंस, एक होती है वारंटी। तो अगर आपने वारंटी तोड़ी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाओगे एज अ बायर, बट यू कैन ऑलवेज सू फॉर डैमेजेस, ठीक। नेक्स्ट हमने अच्छा इसके अंदर कैसे कर सकते हो, या तो आप डिडक्शन कर सकते हो प्राइस से, या पूरी तरह प्राइस पे करने से मना कर दो, या अगर आपका लॉस प्राइस से एक्सीड कर जाता है तो आप एक्स्ट्रा पैसा मांग सकते हो, और डैमेजेस के लिए भी आप केस कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई थी पहले भी। अगला है सू फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच। ये वर्ड एंटिसिपेटरी जो आता है वो आता है एंटिसिपेट से। एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है, जब हम कहते हैं कि हम कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं अबाउट द फ्यूचर, हम मैं लेट सपोज मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि इस साल मुझे इतनी इनकम हो जाएगी, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एस्टिमेट लगा रहा हूं, मैं एक तुक्का लगा रहा हूं, या मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं कि जो कंफर्म नहीं है। तो उसी तरीके से एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या है, ऐसा ब्रीच जो आप एस्टिमेट कर रहे हो आप कर दोगे, मतलब अगर सेलर को लगता है कि बायर जो है सामान वो कर देगा नहीं बेचेगा, सामान नहीं बेचने वाला, तो ये क्या हो गया, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया। इस सिचुएशन में सेलर क्या करेगा कि पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि मैं सामान नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, तो बायर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत तुरंत कैंसिल कर सकता है, या फिर उससे क्या कह सकता है कि मैं तुझे ये सामान मैं वेट करूंगा उस डेट का जिस दिन पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, उस दिन पे तूने डिलीवर नहीं करा तो मैं उस दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मांगूंगा।
तो ये हो गया हमारा सू फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगला है सू फॉर इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ प्राइस। अगर बायर ने पैसे तो दे दिए बट सेलर ने सामान डिलीवर नहीं करा है तो क्या कर सकता है, प्राइस वापस मांग सकता है उसने पे करिए, एंड जितने दिन उसने उसके पास पैसे छोड़ रखे थे उस पैसे के ऊपर वो इंटरेस्ट भी मांग सकता है उससे। ठीक है, तो ये सारे जो वो थे पॉइंट्स बायर के राइट्स, ये हमने एक बार पहले भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। सर ये अनपेड सेलर है कौन? अनपेड सेलर वो आदमी है जिसको सामान की पैसे पेमेंट नहीं हुई है, या अगर उसने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट नहीं हुई है, उसको बोलते हैं हम अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर के पास अधिकार होते हैं दो दो लोगों की तरफ, एक तो गुड्स की तरफ उसके कुछ अधिकार होते हैं और दूसरे होते हैं अगेंस्ट द बायर। तो अगेंस्ट द गुड्स उसके पास तीन अधिकार होते हैं, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, और दूसरा होता है राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, जिसमें क्या होता है सू कर सकता है फॉर प्राइस, सू कर सकता है फॉर डैमेजेस, या सू कर सकता है फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन, या सू फॉर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे हम अगेंस्ट द गुड्स क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहला होता है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन का मतलब क्या है, सेलर ने मान लो सामान बेचा बायर को और बायर ने अभी सामान की डिलीवरी नहीं ली है, बायर ने कहा था अभी सामान तुम ही रख लो, मैं तुम्हारे से एक महीने बाद सामान ले लूंगा, ठीक है, और जब मैं सामान लूंगा तभी उसकी पेमेंट भी कर दूंगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे सेल तो कंप्लीट हो गई क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, बस गुड्स का पोजेशन किसके पास है, पोजेशन अभी भी सेलर के पास ही है क्योंकि बायर ने खुद ही कहा मैं अभी सामान नहीं लेना। अब हुआ क्या, एक महीने बाद जब सामान बायर लेने आया तो बायर ने क्या बोला, सेलर ने क्या बोला, भैया मेरे पैसे भी देते चले जाओ। तो सेलर ने बोला, बायर ने बोला कि यार अभी तो पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम रुक जा मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है, सेलर बायर से कह सकता है आपने मुझसे कहा था एक महीने बाद जब आप सामान लेने आओगे तभी पैसे दोगे, आप अब पैसे देने से मना कर रहे हो तो मैं आपको सामान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट क्या करी है, अपने एंड से डिले कर दिए, जो डेट आपने पेमेंट की बोली थी आप उस डेट पे पेमेंट नहीं दे रहे हो तो मैं सामान आपको नहीं दूंगा। तो वो जो ये कर रहा है इसको बोलते हैं लियन, मतलब सामान को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले हैं या जो प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो गया है। तो बायर को सामान तभी मिलेगा जब वो पेमेंट कर देगा, तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। ठीक है, ध्यान रहना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बस बायर को क्या करना है, पेमेंट देनी है। अच्छा, हमने अभी क्या देखा कि मान लो 10 अप्रैल को सामान बेचा गया है, उसने क्या बोला था एक महीने बाद आके लेके जाऊंगा, तो 10 मई को लेके जाऊंगा। अगर मान लो वो 20 अप्रैल को आके सामान ले जाता तो इस सिचुएशन में सेलर सामान अपने पास नहीं रोक सकता था, क्योंकि सेलर ने क्या, बायर ने क्या बोला था कि पेमेंट करेगा एक महीने बाद। अब क्योंकि एक महीना हुआ नहीं है तो इस सिचुएशन में सेलर अपने पास ये राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा और उसको सामान देना पड़ेगा बायर को। ठीक है, अगर 10 मई पे पेमेंट नहीं देता तो सेलर सामान वापस नहीं ले सकेगा, सेलर सिर्फ बायर पे केस कर सकता है फॉर प्राइस एंड फॉर डैमेजेस, क्योंकि गुड्स जब तक क्रेडिट पीरियड में चल रहे हैं, क्रेडिट पीरियड कितना, एक महीना, तो इस एक महीने के अंदर अंदर बायर अपना सामान ले जा सकता है, सेलर उसको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट ऑफ लियन। आओ जल्दी से इस पर डिस्कस कर लें, राइट ऑफ लियन क्या है, ये कब होते हैं, जब हमने सामान उसको बेच दिया है और गुड्स अभी भी हमारे पास ही है, ये तभी अधिकार आता है। तो देखो, ये अगर आप कैश सेल्स कर रहे हो तब नहीं हो सकता ये राइट। कैश सेल्स का मतलब ये है आप जूते दो पैसे लो, आप अभी पैसे दोगे तभी सामान मिलेगा, तो इस सिचुएशन में ये राइट ऑफ लियन आपको नहीं मिल सकता। या फिर तो मतलब सॉरी, यहाँ पे आपको राइट ऑफ लियन मिलेगा, मिलेगा यहाँ पे, आप सामान तभी दोगे जब पैसे मिलेंगे, तो आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। और कब कर सकते हो, अगर आपने गुड्स उधार पे बेचे हैं और टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सपायर हो चुका है, मतलब आपने मान लो एक महीने के उधार पे सामान बेचा था, एक महीने से ज्यादा हो चुका है,
आप सामान अपने पास रोक सकते हो, या फिर अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आप सामान अपने पास रोक सकते हो। तो ये राइट इन्हीं कंडीशंस में आप एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, देखो क्या कह रहा है। सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट नॉट विथस्टैंडिंग दैट ही इज इन पोजेशन एज एन एजेंट और बिल। मतलब सेलर के पास सामान का पोजेशन जरूरी है बस, ये जरूरी नहीं है कि किस वजह से उसके पास पोजेशन है। अगर उसके पास सामान है और उसको पेमेंट नहीं हुई है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है तो वो सामान रोक सकता है जब तक उसको पैसे ना मिल जाए। अगला, इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू पार्ट विद द पोजेशन अनलेस द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। ये बात मैंने डिस्कस कर ली थी कि अगर आपने 1 महीने का टाइम पीरियड दिया है और वो पहले आके सामान ले जाए तो सेलर यहां पे सामान नहीं रोक पाएगा, ठीक। नेक्स्ट, लियन कैन बी एक्सरसाइज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस। मतलब अगर सेलर ने प्राइस नहीं दी है तो आप सामान रोक सकते हो, कोई और चीज अगर नहीं पे, कोई और खर्चे थे वो नहीं पे करें तो इस सिचुएशन में वो नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, ये भी हमने डिस्कस किया था। सामान को आप पार्ट पेमेंट पार्टली डिलीवर नहीं करोगे, आपकी ड्यूटी बनती है जितना सामान बोला गया एक ही बार में सारा सामान की डिलीवरी करनी है, ठीक है। तो अगर अनपेड सेलर ने पार्ट डिलीवरी करी, कुछ सामान तो पहुंच गया बायर के पास, कुछ सामान रह गया और बायर पेमेंट करने से मना कर देता है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑन रहता है, तो जितना सामान उसके पास बच गया है ना उतने सामान के ऊपर वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर पाएगा, और बचा हुआ सामान जो पहुंच गया है उसके ऊपर बायर पे केस कर सकता है प्राइस देने के लिए, वो वाला सामान वो वापस नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट, द सेलर कैन अबैंडन और वेव द लियन इफ ही सो डिजायर्स। सिंपल सा है, आपके पास जो अधिकार है ये अधिकार आप चाहो तो माफ भी कर सकते हो, मतलब राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज ना करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट, लियन कब टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आपका जो पोजेशन है, आपके पास जो अधिकार है सामान रोकने का, खत्म कब हो जाएगा। अगर उसने डिलीवर कर दिए गुड्स टू अ कैरियर या सम अदर पर्सन, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया अगर आपने बायर के एजेंट को या बायर के कैरियर को सामान दे दिया है तो मान लेते हैं कि वो कैरियर किसका एजेंट है, बायर का है, और हमने गुड्स डिलीवर कर दिए। अनटिल एंड अनलेस हमने गुड्स पे जो राइट ऑफ डिस्पोजल है वो रिजर्व कर दिया। राइट ऑफ डिस्पोजल क्या था, हमने बायर से बोला था, हमने एजेंट से बोला था या कैरियर से बोला था कि सामान तभी देना जब वो पैसे दे या जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज मत देना। तो अगर हमने ऐसा करके भेजा है तो राइट ऑफ लियन हमारा है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर हमने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया है और कैरियर या एजेंट को सामान दे दिया है, तो मान लीजिए कि गुड्स बायर के हो चुके हैं और फिर ऐसे सिचुएशन में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। अच्छा, और कब नहीं हो सकता, अगर बायर ने खुद या उसके एजेंट ने ऑब्टेन कर लिया पोजेशन, सेलर ने खुद माफ कर दिया है, या अगर सेलर ने खुद ऐसा दिखाया कि वो थर्ड पार्टी को ये बिलीव करवा रहा है कि लियन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर सेलर ही कुछ ऐसी एक्शंस करता है थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड पार्टी को एक्शन कर रही है और सेलर खुद उसको रोक नहीं रहा है और बायर को ऐसा लगने दे रहा है कि वो अपना राइट ऑफ लियन माफ कर रहा है, तो इस सिचुएशन में फिर वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, अनपेड सेलर डज नॉट लूज हिज लियन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिग्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। मान लो सेलर सामान दे नहीं रहा क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले, तो बायर चल जाता है कोर्ट और कोर्ट में जाके कोर्ट से वो कह देता है, कोर्ट उसको ऑर्डर दे देती है बायर को कि तू पैसे दे, वो सामान दे देगा। मतलब कोर्ट ने बायर को एक ऑर्डर दे दिया है कि तुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो भी तब भी सेलर अपना सामान नहीं देगा जब तक बायर पैसे नहीं देता। जस्ट बिकॉज कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं बायर को कि पैसे देने हैं, दैट डजंट मीन कि सेलर को अपना सामान अभी भी देना है, तभी दे जब उसको सामान मिल जाए, उससे पहले ना दे। नेक्स्ट, सेल नॉट रिसेंडेड बाय लियन, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट बिकॉज बायर ने सामान सेलर ने सामान अपने पास रोक रखा है दैट डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। सेलर का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है, बायर जैसे ही पैसे दे देगा सेलर सामान दे देगा। तो ये क्या कह रहा है, सेल खत्म नहीं होगी जस्ट बिकॉज लियन एक्सरसाइज कर रखा है। आप सामान दे दो, पैसे दे दो, सामान ले लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब आप सामान को रास्ते में ही रुकवा रहे हो, ये कब होता है? बस जैसे मान लो आपने सामान, सेलर ने सामान दे दिया बायर को, बायर की तरफ जा रहा है, कैरियर कंपनी एजेंट के थ्रू जा रहा है, और सेलर को इसी दौरान ये पता चल जाता है कि बायर जो है इस सामान की पेमेंट नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि वो हो गया है इंसॉल्वेंट। तो अगर ऐसा है तो फिर सेलर जो है अपने ट्रांसपोर्ट वाले से कह देगा कि भैया तू सामान बीच में रोक दे और मेरे पास सामान वापस ले आ। क्यों? क्योंकि बायर जो है मेरी पेमेंट नहीं करने वाला। जैसे समझो सामान नोएडा से लखनऊ जा रहा है, ठीक है, और अभी बीच में ही कहीं है सामान ट्रक जो है, और सेलर को, सेलर नोएडा बैठा है, इसको यहीं पे ही पता चल गया, यहीं पे बैठे बैठे, कि यहां जो बैठा है बायर, ये बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। तो सेलर इस ट्रक वाले को कॉल करके कह सकता है कि तू सामान वापस ले आ, या जहां पे है वहीं रुक जा, सामान आगे लेके मत जा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सामान को ट्रांजिट में ही रोक देना। तो अब अगर मान लो ये आधे रास्ते पहुंच गया था तो वापस लाना पड़ेगा, तो ये जो आधे रास्ता वापस आ रहा है सामान, इसका खर्चा कौन उठाएगा? इसका खर्चा सेलर उठाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी ने एक्सरसाइज करवाया। अच्छा सर, इंसॉल्वेंट से मतलब क्या? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये इंसॉल्वेंट है, वो नहीं। इंसॉल्वेंट यहां पे मतलब है अगर एक आदमी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रहा है तो हम उसको इंसॉल्वेंट मान लेंगे। जरूरी नहीं है कि इस आदमी को कोर्ट डिक्लेयर करे एज इंसॉल्वेंट। अगर सेलर के पास पता चल गया कि बायर मतलब पेमेंट नहीं करने वाला है, इनकेपेबिलिटी चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा है, इसके रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या है। द सेलर मस्ट बी अनपेड, ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स उसके पास से जा चुके हैं। गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, रस्ते में होने चाहिए सामान। बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट एंड द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। हु इज एन इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब कौन सा है? एक पर्सन जो फाइनेंशियली एम्बैरस्ड है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बायर शुड बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 8, द बायर इज सेट टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही हैज सीज्ड टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू, वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। अच्छा, ट्रांजिट का ड्यूरेशन क्या है? ट्रांजिट का ड्यूरेशन होता है जब जितनी दिन सामान, जितने देर सामान रस्ते में है, मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी या कैरियर कंपनी के पास है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट। जब तक सामान बायर के पास ना पहुंच जाए या बायर के एजेंट के पास ना पहुंच जाए तब तक सामान ट्रांजिट में। जैसे ही बायर को पहुंच गया या बायर के एजेंट को पहुंच गया, हम मान लेंगे ट्रांजिट खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी कुछ नीचे भी रूल्स हैं कि व्हेन डस ट्रांजिट कम टू एन एंड, ट्रांजिट खत्म कब होगी? जब बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ले ले, या बायर ने डेस्टिनेशन पे सामान पहुंचने से पहले ही सामान ले लिया, कैरियर या दूसरा जो एजेंट है वो बायर को कह देता है कि मैंने आपका सामान ले लिया है और वो बायर का एजेंट बन जाता है। अगर कैरियर ने गलती से डिलीवर करने से मना कर दिया गुड्स बायर को, या फिर आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स द कैरियर एक्सप्रेसली एंटर्स इनटू अ न्यू अग्रीमेंट टू होल्ड द गुड्स फॉर द बायर, द ओरिजिनल ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। जैसे मैं समझो, एक मैंने क्या एग्जांपल लिया था सामान नोएडा से लखनऊ जा रहा है, ठीक है, और लखनऊ में एक जगह पे पहुंच गया सामान, ठीक है, और उसी जगह पे सामान पहुंचना था, मतलब नोएडा से लखनऊ में एक स्पेसिफिक जगह है, यहीं तक सामान जाना था, वहां पे ट्रक वाले लेके पहुंच गया। ट्रक वाले ने बायर को कॉल कर दिया कि भैया मैं आपका सामान ले आया हूँ, आप इसको ले जाओ मेरे पास से। अब हुआ ये, लखनऊ में जो बायर था, बायर ने इसी ट्रक वाले से क्या कहा कि तू एक काम कर, तू वहां से सामान यहां तक ले आ। तो ट्रक वाले कह रहा, साहब जी मेरे को तो यहीं तक के पैसे मिले हैं, तो मैं इसके आगे नहीं लेके आऊंगा। बायर क्या कह देता है, अरे तो कोई बात नहीं, तू सामान मेरे लिए ले आ, मैं तुझे आगे का खर्चा दे दूंगा। तो क्या होगा, यहां से जहां तक उसको लखनऊ में और आगे जहां भी सामान मंगवाना है, यहां से ये ट्रक वाला इस बायर का एजेंट बन गया है, और यहां से मान लेंगे कि गुड्स डिलीवर हो चुके हैं बायर को, तो ट्रांजिट यहां पे खत्म मान ली जाएगी। और क्या है,
ठीक है, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर। अगर ट्रांसपोर्ट वाला बायर ने ही भेजा था, अपना ही ट्रांसपोर्ट वाला भेजा था, तो क्या हो गया, फिर तो वो एजेंट ही बायर का है, उसको डिलीवरी दे दी, मान लिया कि गुड्स डिलीवर हो गया, यानी कि ट्रांजिट खत्म हो गई। और वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर, ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर येट टू बी डिलीवर्ड इन द आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अगर सामान में कुछ सामान डिलीवर हो चुका है और कुछ सामान अभी पहुंच रहा है, तो जो सामान पहुंच रहा है उसके लिए भी ट्रांजिट एंड मान जाएगा, क्योंकि पार्ट डिलीवरी हो चुके, तो बचा हुआ सामान जो पहुंच रहा है उसको भी डिलीवर्ड मान लेंगे। नेक्स्ट, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर। अगर सामान शिप से भेजा जा रहा है और उस शिप को भेजा ही बायर ने है, तो मान लेंगे कि सामान जैसी शिप पे लोड होगा वो बायर का हो गया है और डिलीवरी हो गई है, ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड। ठीक है, अब हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। आपको स्टॉपेज इन ट्रांजिट को कैसे यूज करना है, आप सामान कैसे रुकवा सकते हो, या तो एक्चुअल पोजिशन ले लो गुड्स का, या फिर अरे कंपनी को नोटिस दे दो कि भैया गुड्स डिलीवर ना करे बायर को और वहीं रुक जाए जहां पे है, या तो सेलर खुद जाके जहां पे भी सामान पहुंच चुका है वहां से सामान खुद कलेक्ट कर ले, या फिर जो ट्रैवलर है, जो जिस टेम्पू ट्रक में सामान जा रहा है वहीं रुकवा दे और कह दे सामान वापस ले आओ, तो हम क्या कहेंगे, उसने अपना स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, मैंने इसके बता दिया था, इसके जो भी खर्चे हैं, खर्चे वापस लाने के सेलर बेयर करेगा, और इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, जैसे उसमें था राइट ऑफ लियन में, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में भी सेम है, जस्ट बिकॉज सेलर ने सामान वापस मंगवा लिया है अपने पास, दैट डजंट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बायर पेमेंट कर देगा, सेलर सामान दे देगा। तो राइट ऑफ लियन में भी यही चीज थी, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में भी सेम ही चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैंसल्ड जब सेलर ये एक्सरसाइज करता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स इन फोर्स एंड द बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, आगे इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज। मान लो बायर ने वो गुड्स जो रस्ते में है उनको आगे बेचे काउंटर पहले ही कर लिया है, मतलब अभी सामान बायर के पास पहुंचा भी नहीं है, पर बायर ने इनको किसी और के पास गिरवी रख दिया है या किसी और को आगे फ्यूचर फर्दर सेल कर दिया है, तो क्या इससे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते? आंसर इज नो। जस्ट बिकॉज उसने बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, दैट डजंट मीन कि सेलर अपना ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, सेलर उस केस में भी सामान वापस मंगवा सकता है क्योंकि सामान अभी तक बायर को पहुंचा नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन देख लेते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं कि मतलब आप अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कब? वेयर द सेलर असेंट्स टू सच सेल और प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर। अगर सेलर खुद ही अग्री कर देता है कि ठीक है भैया, अगर आपने आगे बेच कर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो हाँ मुझे कहीं ना कहीं भरोसा है, आप पैसे दे दोगे क्योंकि आपको बेच के पैसा आ जाएगा, तो इस सिचुएशन में अगर सेलर मान जाता है तो वो अपना राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर एक्सरसाइज कर सकता, या फिर सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया है बायर को और वो एक सेल के थ्रू कर रहा है, तो क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही ट्रांसफर हो चुका है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, इस सिचुएशन में राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ऐसे समझो, एग्जाम्पल से नोएडा में बैठा है सेलर, लखनऊ में बैठा है बायर। अब बायर ने ये गुड्स इसको फर्दर सेल कर दिया, फर्दर सेल कर दिया, और हुआ ये था, नोएडा में बैठे बंदे ने लखनऊ वाले को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया था, और इसने ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आगे ट्रांसफर कर दिया है, और इसने ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल खरीदा है गुड फेथ में। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि क्योंकि इसने ये गुड फेथ में खरीदा है, हम यहां जो बैठे सेलर हैं ये अपना राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर पाए। अगर इसने ये गुड फेथ में ना लिया होता
मतलब इसको पता होता कि बायर ने पैसे नहीं दिए हैं या बायर ने अभी तक बायर इंस्टॉलमेंट हो गया है, तो इसको पता है अगर ये बात फिर भी खरीद रहा है, तो इस सिचुएशन में सामान वापस देना पड़ सकता है या मतलब राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ सबमिट ट्रांजिट एक्सेस कर पाएगा। बट अगर इसको नहीं पता, इससे गुड फेथ में डॉक्यूमेंट लिया है, तो फिर ये राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ट्रांजिट, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। राइट ऑफ लियन क्या है, आपके पास पोजेशन है तब आप एक्सेस कर रहे हो, स्टॉपेज तो ट्रांजिट उस कब एक्सेस कर कंडीशन में लो। उसको प्रूफ करना पड़ता होगा ना हाँ, प्रूफ कि करना मतलब पड़ता है। उसको हाँ पता था कि नहीं पता था। हाँ प्रूफ करना पड़ेगा बात सेल हो गए फर्दर जो सब सेल हुई है। ठीक है, ओके सर। हाँ तो राइट ऑफ लियन कब स्टार्ट होता है, जब आपके पास गुड का पोजीशन होता है। स्टॉपेज ट्रांजिट कब होता है, जब आपके पास से जा चुका है बट बायर के पास नहीं पहुंचा है, रास्ते में है अभी। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, इसके अंदर देखिए सेलर शुड बी इन पोजीशन, और इसके अंदर स्टॉपेज ट्रांजिट में सेलर ने गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर दिया है, या तो वो कैरियर के पास है या बायर ने अभी तक उसको एक्वायर नहीं किया। राइट ऑफ लियन कब एक्सेस कर सकता है, इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंस्टॉलमेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि राइट ऑफ लियन में इंस्टॉलमेंट होना जरूरी है। अगर एक आदमी नहीं पे कर रहा है तब भी आप ले सकते हो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए जरूरी है कि बायर का इंस्टॉलमेंट हो जाना। ठीक है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब शुरू होता है, जब राइट ऑफ लियन खत्म होता है, मतलब जब तक आपके पास सामान है तब तक आप ये नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, और जब सामान रास्ते में निकल गया तो ये नहीं यूज कर पाओगे, तब ये वाला यूज कर पाओगे। ठीक है, तो वही चीज लिखिए, राइट ऑफ लियन कम्स टू एन एंड एज सून एज द गुड्स गो आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द सेलर, बट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड एज सून एज द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। नेक्स्ट है राइट ऑफ रीसेल, अगर बायर को सॉरी सेलर को अगर सामान नहीं मिल रहा है, सेलर की ड्यूटी है बायर से पेमेंट मांगे और बायर को बता दे कि इस तारीख तक सामान की पेमेंट कर दो, और अगर इस तारीख तक सामान की पेमेंट नहीं करी तो मैं सामान बेच दूंगा। तो सेलर को क्या करना है, फिर उतने दिन वेट करना है जितने दिन उसने नोटिस में दिया है। अगर बायर उस दिन तक भी पेमेंट नहीं करता है जो डेट उसने नोटिस में दी गई थी, तो सेलर उसको आगे फिर फर्दर किसी और को सेल कर सकता है। या फिर अगर मान लो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, दूध है, फ्रूट्स हैं, ये सब चीजें क्या हैं, जल्दी खत्म होती है, पेरिशेबल है, तो इन सिचुएशंस में उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि बायर जब पैसे देगा तब मैं उसको सामान दूंगा, वो इनको पेरिशेबल गुड्स हैं तो जल्दी से जल्दी इनको बेच सकता है। ठीक है, अब मान लो उसने बेचे का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ओरिजिनल बायर के साथ वो था 1,000 रुपये में, बट अब जब वो किसी और को बेच रहा है तो 800 रुपये में बिक रहा है, 200 रुपये का जो उसको नुकसान हो रहा है, सेलर वो 200 रुपये रिकवर कर सकता है फ्रॉम द ओरिजिनल बायर। बट अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 1,000 रुपये में, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, उसने किसी और को बेच दिया मान लो 1,500 रुपये में, तो इस सिचुएशन में 500 रुपये का प्रॉफिट वो अपने पास रख सकता है, वो 500 रुपये का प्रॉफिट ओरिजिनल बायर को नहीं देना, अपने पास रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, हमने गुड्स के अगेंस्ट तो तीन अधिकार थे डिस्कस कर लिए, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। आगे बायर के अगेंस्ट क्या क्या अधिकार है, पहला है सू फॉर प्राइस, उस पे वो पैसों के लिए केस कर सकता है अगर बायर ने पैसे नहीं दिए, ध्यान रखना तभी कर सकता है अगर सेल हुई है, अग्रीमेंट टू सेल है तो नहीं कर सकता। अग्रीमेंट टू सेल के केस में फिर वो डैमेजेस के लिए केस कर सकता है और किसी चीज के लिए। ठीक है, बट अगर सेल हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो फिर उस पर केस कर सकता है फॉर प्राइस। ठीक है, अगला क्या कर सकता है, सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर उसको सेलर को कोई डैमेजेस हो रहे हैं, कोई लॉस हो रहा है, तो उस लॉस के लिए उसको केस कर सकता है। आगे सू कर सकता है फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द सेलर मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड एंड सू फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच। लास्ट क्लेम फॉर इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस, उस पे क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट के लिए एंड स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस भी होते हैं वो जो डैमेजेस आपने एक्सप्रेसली स्पेसिफिकली पहले से बताए हुए होते हैं कि भैया अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो मुझे ये नुकसान हो सकता है, तो वो होते हैं स्पेशल डैमेजेस। तो स्पेशल डैमेजेस के लिए भी केस कर सकता है अगर सेलर को कोई हुआ है तो, एंड इंटरेस्ट के लिए भी, क्योंकि अगर उसने इंटरेस्ट अगर सेलर ने कुछ पैसा ब्लॉक कर लिया था अपना बायर के लिए, तो फिर इस सिचुएशन में सेलर को नुकसान और ब्याज का, तो उसके लिए भी केस
कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। ठीक है, तो यहां से हमारा ये वाला चैप्टर भी रिवाइज होता है। बताओ इस चैप्टर में किसी को डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो पूछो। सेकंड पॉइंट से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। प्रूफ फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेबल। अगर बायर ने सामान लेने से मना कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? सेलर को सामान भेजा था, वो ट्रक का टेम्पो खर्चा उसने लगाया, रास्ते में कोई टोल टैक्स वगैरह है तो टोल टैक्स वगैरह भी पे करता हुआ आ रहा होगा सामान, तो उसको जो नुकसान हो रहा है सेलर को, क्योंकि बायर ने सामान लेने से मना कर दिया, तो ये जो भी नुकसान हुए हैं वो नुकसान भी सेलर रिकवर कर सकता है फ्रॉम द बायर, जो भी डैमेजेस हुए। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। तो यहां से हमारा ये वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर रिवाइज करेंगे अपने पास। ओके, चलो।